देखिए, ये जो क्वेश्चन है अभी तक का जो वेंचुरी मीटर में जितने भी क्वेश्चन हैं जो आप आर के वंसल में देखे हो, ये मतलब कि सबसे ओहदा लेवल पे है। और इस क्वेश्चन को यदि आप सॉल्व कर लेते हो तो आपको वेंचुरी मीटर में शायद कहीं पे दिक्कत आएगी, ठीक ना? क्योंकि इस क्वेश्चन को आपका सारा कॉन्सेप्ट इस पे खंगाल लिया, तो इसे नहीं भी तो आप मिनिमम 2 टाइम्स ज़रूर बनाना। वीडियो देखने के बाद आप खुद से 2 बार इसे ज़रूर बनाना। तो हम इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। इस पे बोल क्या रहा है, इन ए वर्टिकल पाइप कन्वेइंग ऑयल ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.8, टू प्रेशर गेजेज हैव बीन इंस्टॉल्ड एट ए एंड बी, वेयर द डायमीटर्स आर 16 सेंटीमीटर एंड 18 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। उसके बाद बोल क्या रहा है, ए इज 2 मीटर एबव बी, जो ए है वो क्या है ना, 2 मीटर एबव बी है। उसके बाद क्या बोल रहा है, द प्रेशर गेज रीडिंग हैव शोन दैट द प्रेशर एट बी इज ग्रेटर देन एट ए बाई 0.981 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बोल क्या रहा है, नेग्लेक्टिंग ऑल लॉसेस मतलब कि सी डी इक्वल टू 1, कैलकुलेट द फ्लो रेट, अपने को क्या निकालना है, क्यू निकालना है। उसके बाद अपने को क्या निकालना है, इफ़ द गेजेज एट ए एंड बी आर रिप्लेस्ड बाई ट्यूब्स फिल्ड विथ द सेम लिक्विड एंड कनेक्टेड टू यू ट्यूब कॉन्टेनिंग मरकरी, कैलकुलेट द डिफरेंस ऑफ लेवल ऑफ मरकरी इन टू लिम्स ऑफ यू ट्यूब। अब बताओ, ये क्वेश्चन को आप पढ़ोगे तो इट मे बी कि समझ में आपको कुछ नहीं आएगा, कुछ नहीं आएगा। तो देखो, हम अभी ये वाला जो पोर्शन है, इस पोर्शन को हम अभी गायब करते हैं। इफ़ द गेजेज एट ए एंड बी आर रिप्लेस, हम इसे अभी गायब करते हैं। हम अभी तक सिर्फ और सिर्फ क्या निकालेंगे, कैलकुलेट द फ्लो रेट, हम यहाँ तक फोकस करते हैं। तो देखो, इसे आप करोगे कैसे, अपने को वर्टिकल पाइप कन्वेइंग ऑयल, यानी ये देखो यहाँ पे अपने को डायग्राम दिखाया हुआ है, ये आपका ए हो गया, ये आपका क्या हो गया ना, बी हो गया। और यहाँ पे यहाँ का जो डायमीटर है वो दे दिया हुआ है, 16 सेंटीमीटर है, और यहाँ का जो डायमीटर है 8 सेंटीमीटर है। यानी अपने को डिस्चार्ज के लिए क्या क्या फॉर्मूला चाहिए, डिस्चार्ज के लिए अपने को चाहिए क्यू इक्वल टू सी डी इंटू ए वन इंटू ए टू। ये डिस्चार्ज का ये फॉर्मूला आप जानते हो, डिस्चार्ज का आप ये फॉर्मूला जानते हो। तो ए वन ए टू निकल गया, सी डी बोल दिया है कि नो लॉसेस है, यानी सी डी इक्वल टू क्या होगा ना, 1 होगा। अपने को निकालना है एच, अपने को क्या निकालना है, एच। तो एच निकालोगे कैसे, यहाँ पे एच निकालोगे कैसे, तो देखो एच निकालने का यहाँ पे जो कौन फंडा होगा, मैं इसे सॉल्व करूँगा। यहाँ पे जो आप एच निकालोगे, यहाँ पे आपका जो एच निकलेगा वो एच क्या हो जाएगा, जैसे मान लीजिए कि आपका एक वर्टिकल वेंचुरी मीटर है, और यहाँ से आपका क्या आया ना, थ्रोट आया, समझे? ये मान लो कि सेक्शन 1-1 है, और ये क्या है ना, सेक्शन 2-2 है। और आप क्या करोगे ना, सबसे पहले इसके बीच का आप बर्नौली इक्वेशन लगाओगे, तो P1 by ρg प्लस V1 square by 2g प्लस Z1 इक्वल टू क्या हो जाएगा ना, P2 by ρg प्लस V2 square by 2g प्लस Z2। और यदि मान लीजिए कि हमने इसको डेटम ले लिया, हमने क्या किया ना, इसको डेटम ले लिया, जब हमने इसको डेटम ले लिया तो ये जो Z2 है वो क्या हो जाएगा ना, 0 हो जाएगा। Z2 क्या हो जाएगा ना, 0 हो जाएगा। तो देखिए अपना यहाँ से क्या निकल जाएगा, V1 square by 2g, या फिर आप इसको V1 square by 2g माइनस V2 square by 2g इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, P2 by ρg माइनस P1 by ρg माइनस Z2 होगा, सॉरी माइनस Z1 होगा, माइनस क्या होगा ना, Z1 होगा। क्लियर है? अब देखो यहाँ से क्या करें, रोजी को आप कॉमन ले लो, तो क्या हो जाएगा ना, P2 minus P1 divided by ρg माइनस Z1, ये लिख सकते हो आप, ये चीज़ कर सकते हो। और ये जो वैल्यू आएगा यही क्या कहलाएगा ना, H कहलाएगा, यही क्या कहलाएगा ना, आपका H कहलाएगा, समझ पा रहे हो? यही वैल्यू क्या होगा ना, आपका H कहलाएगा। तो अपने को
अपने को यहाँ पे देखा जाए तो जेड वन दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है ना 2 मीटर दिया हुआ है, जेड वन कितना दिया हुआ है 2 मीटर दिया हुआ है। और डिफरेंस इन प्रेशर्स यानी पी टू माइनस पी वन अपने को दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है ना देखो, डिफरेंस ग्रेटर दिया हुआ है। देखो बोल रहा है कि द गेज प्रेशर गेज रीडिंग हैव शोन दैट द प्रेशर एट बी इज ग्रेटर देन एट ए, यानी पी टू यानी पी बी माइनस पी ए यानी पी टू माइनस पी पी वन अपने को कितना है ना 0.981 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर है। यानी अपने को इसका जो डिफरेंस है पी टू माइनस पी वन, या फिर इसको लिखो आप जो बुक के हिसाब से पी बी माइनस पी ए, ये अपने को दे दिया हुआ है डिवाइडेड बाई रो जी माइनस जेड वन। ये कितना दिया हुआ है ना पी टू माइनस पी वन, ये 0.981 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है? तो आप यहाँ से क्या निकालोगे ना, यहाँ आप ये जो पूरा टर्म है, ये पूरा टर्म क्या देगा ना एच देगा, ये पूरा टर्म क्या देगा ना एच देगा। तो देखो अपने को स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ऑयल दिया हुआ है 0.8, डेंसिटी दिया हुआ है इतना, और आपका डाया कितना हो जाएगा डी ए, यहाँ का डाया 16, तो आपका ए वन निकल जाएगा इतना, और डाया एट बी अपने को क्या दिया हुआ है ना ना 8 सेंटीमीटर, तो अपने को ए टू निकल जाएगा इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो डिफरेंस ऑफ प्रेशर दिया हुआ है दिस, तो आपका डिफरेंस इन प्रेशर हेड, अपने का प्रेशर हेड निकाल लिया 1.25, यानी इसका जो वैल्यू होगा, इसका जो वैल्यू होगा ये क्या होगा ना 1.25। अब देखो यहाँ पे मेंशन नहीं किया हुआ है कि ये मीटर में होगा या फिर किस पे होगा, यहाँ पे ये चीज़ मेंशन नहीं किया हुआ है, बट आप यहाँ से चीज़ों को देख सकते हो ये किस पे है ना। देखो अब पी बी माइनस पी ए ये क्या है ना 0.98 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर था, अब इस न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर को किस पे कन्वर्ट किया ना न्यूटन मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट किया, इसे क्या कहना है न्यूटन मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट किया, मतलब कि ये जो है ये क्या है ना 0.125 ये क्या है ना मीटर ऑफ वाटर, सॉरी मीटर ऑफ क्या है ना ऑयल है, यहाँ पे क्या है ना ये जो है 1.25 ये क्या है ना ये जो है आपका 1.25 इतना मीटर ऑफ ऑयल, इतना मीटर ऑफ क्या है ना ऑयल है। यहाँ तक चीज़ें समझ पा रहे हो? जब आप यहाँ तक चीज़ों को समझ रहे हो तब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखो जो काम हम लोगों ने अभी पहले बताया था, तो इसने क्या किया ना अप्लाइंग बर्नौली थ्योरम एट ए एंड बी और टेकिंग रेफरेंस थ्रू सेक्शन बी, यानी हमने जो यहाँ पे 2-2 सेक्शन को रेफरेंस लिया था उसने यहाँ पे क्या किया इसी सेक्शन को रेफरेंस लिया है और आपका बर्नौली प्रिंसिपल लगा दिया है। तो बर्नौली प्रिंसिपल लगा दिया तो देखो होगा क्या, इसने लगाया तो देखो यहाँ से क्या है ना वी बी माइनस वी ए निकाला है, इसने यहाँ पे क्या किया ना वी बी माइनस वी ए निकाला है, तो वी बी माइनस वी ए आपका जो आ रहा है 0.275 आ रहा है, 0.275 आ रहा है। जब अपने को वी बी माइनस वेलोसिटी हेड का, यानी हम लोगों ने यहाँ पे क्या निकाला था, देखो हम लोगों ने यहाँ पे क्या निकाला वी वन स्क्वायर बाई टू जी माइनस वी टू स्क्वायर बाई टू जी किया है, बट इसने क्या किया ना वी टू स्क्वायर बाई टू जी माइनस वी वन स्क्वायर बाई टू जी हमारे जस्ट अपोजिट किया हुआ है। इसको यदि आप देखोगे तो ये क्या है ना जस्ट अपोजिट किया हुआ है और कुछ नहीं, यहाँ पे क्या है ना ये जस्ट अपोजिट किया हुआ है वी जी। ठीक, तो चलिए देखते हैं। तो इसने ये निकाल दिया है, तो जब अपने को ये मिल गया तो इसने यहाँ से क्या ना यहाँ से ये क्यू इक्वल टू इसका फॉर्मूला अप्लाई किया है, इसने यहाँ पे क्या किया ना क्यू इक्वल टू ये वाला फॉर्मूला अप्लाई किया है। आप यदि इस फॉर्मूला को अप्लाई नहीं करोगे कोई दिक्कत नहीं है, आप इसी फॉर्मूला को अप्लाई करो, आप क्या करो ना इसी फॉर्मूला को। तो देखो एक मिनट, तो देखिए जब आप इस फॉर्मूला को अप्लाई करोगे ये तो ये आपका क्या है ना वी वन स्क्वायर बाई टू जी माइनस वी टू स्क्वायर बाई टू जी इक्वल टू ये क्या ना एच, और ये एक प्रकार से क्या है ना माइनस एच देगा, ये क्या देगा ना माइनस एच देगा। तो हम इसको अब क्या करेंगे ना वी टू स्क्वायर बाई टू जी माइनस वी वन स्क्वायर बाई टू जी इक्वल टू क्या हो जाएगा ना ये एच हो जाएगा, ये आपको देगा एच, समझे ये आपको क्या देगा ना एच। यहाँ पे माइनस एच इसलिए आया है जब आप इसका डेरिवेशन को देखोगे, डेरिवेशन बोलने के मतलब एकदम स्टार्टिंग में चले जाओ,
आप क्या करो ना, एकदम स्टार्टिंग में चले जाओ, यहाँ पे देखो वेंचुरीमीटर का डेरिवेशन यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे क्या इसने किया है, ये जो है यहाँ पे जो इसने ये किया हुआ है, देखिए P1 माइनस रो जी वी टू स्क्वायर माइनस वी वन स्क्वायर बाई टू जी। यहाँ पे क्या है ना, वी टू स्क्वायर है, इसे जरा गौर से देखिएगा, ये क्या है ना, वी टू स्क्वायर बाई टू जी और वी वन स्क्वायर बाई टू जी, यानी यहाँ का वेलोसिटी माइनस यहाँ का वेलोसिटी हेड, यानी यहाँ का काइनेटिक हेड और यहाँ का काइनेटिक हेड का डिफरेंस है। तो अपने को भी, तो ये जब एच है तो हमने यहाँ पे क्या निकाला था, वी वन स्क्वायर बाई टू जी माइनस वी टू स्क्वायर बाई टू जी को हमने एच बोला था। ये एच नहीं, माइनस एच होगा, क्योंकि बुक के हिसाब से चलोगे तो यहाँ पे देखिए, तो ये जो चीज़ है यानी वी टू स्क्वायर बाई टू जी माइनस वी वन स्क्वायर बाई टू जी इक्वल टू 0.7 आया है। आप यदि बस यही चीज़ को आप रख के आगे कर दोगे, तो आपका जो आंसर है वो आ जाएगा। यानी आपको बस इस फॉर्मूला पे लगाना है, आप इस फॉर्मूला पे नहीं लगाओगे कोई दिक्कत नहीं है, आप जो बुक में लेके चला है आप उस बुक से भी आप चीज़ों को सॉल्व कर सकते हो। तो देखो बुक वाला तो यहाँ पे किया हुआ है, बट मैं इसे चाहूँगा कि मैं इसे खुद से एक बार सॉल्व कर दूँ, ताकि आप लोगों को लगेगा कि नहीं जो चीज़ें हैं वो दोनों पे सेम आएगा। तो देखो हम इसे करते हैं, तो यहाँ पे ए वन कितना आया हुआ है, यहाँ पे देखा जाए तो ए वन जो है आपका सी डी तो आपका वन है, तो इसको मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ ज़रा। इसे यदि मैं लिखूँ तो देखो यहाँ पे सी डी इक्वल टू क्या है ना आपका सी डी सॉरी क्यू इक्वल टू क्या है ना आपका सी डी ए वन ए टू अंडर रूट टू जी एच डिवाइडेड बाई अंडर रूट ए वन का स्क्वायर माइनस ए टू का स्क्वायर। और सी डी यहाँ पे क्या है ना वन है, सी डी आपका यहाँ पे क्या है ना वन है। जब सी डी वन है तो आप यहाँ पे वन इंटू ए वन कितना है ना, देखो ए वन है 0.002 और ए टू कितना है ना 0.005 02 इंटू अंडर रूट 2 इंटू 9.81 इंटू एच कितना आया है अपना, देखो तो एच आया है 0.75। एच आपका क्या है ना 0.75 डिवाइडेड बाय अंडर रूट इसका स्क्वायर 0.0201 का स्क्वायर माइनस 0.00502 का स्क्वायर। ठीक, अब मैं आपके सामने इसे डालता हूँ, जब मैं इसे डालूँगा तो क्या होगा, देखिए क्या आएगा ना, आपका दे दिया हुआ है ये 0.0201 इंटू 0.00502 इंटू अंडर रूट 2 इंटू 9.81 इंटू 0.75 डिवाइडेड बाई अंडर रूट क्या हो जाएगा ना 0.00201 का स्क्वायर माइनस 0.00005502 का स्क्वायर। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो अपने को क्या आ रहा है, आई होप कि मैं सारे वैल्यू सही डाला हूँ, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ आपका सारे वैल्यू क्या है ना सही है। जब सारे वैल्यू सही है तो आप इसे क्या करो ना, क्लिक कर दो, तो अपने को जो क्यू आ रहा है यहाँ पे आ रहा है, देखिए 0.0019 अपने को जो क्यू मिल रहा है वो कितना मिल रहा है 0.01988 मीटर क्यूब पर सेकेंड। अपने को जो क्यू मिला, अपने को ये मिला 0.01198 मीटर क्यूब पर सेकेंड। अब देखो बुक में क्या दिया हुआ है, बुक में भी आपका क्या है ना सेम चीज दिया हुआ है 0.0198 एकदम। आप दोनों तरीका से निकाल सकते हो, समझ पा रहे हो? ठीक,
तो ये आपका क्या निकल गया ना, डिस्चार्ज निकल गया। अब हम इसका सेकेंड पार्ट पे आते हैं। अब हम इसका क्या करते हैं, सेकेंड पार्ट पे आते हैं। जब आप इसका सेकेंड पार्ट पे आओगे, सेकेंड पार्ट पे, अब देखो, अब बोल क्या रहा है, इफ़ द गेजेज एट ए एंड बी आर रिप्लेस्ड। अब इस गेज को हम क्या कर रहे हैं, रिप्लेस कर दे रहे हैं, किससे, बाय ट्यूब्स फील्ड विथ द सेम लिक्विड एंड कनेक्टेड टू यूट्यूब कॉन्टेनिंग मरकरी। यानी अब यहाँ पे गेज ना लगा के आप यहाँ पे क्या करो ना, आप यहाँ पे ये लगा दो, ये जब आप ये लगा दोगे तो अपने को ये बताना है कि इस पे आपका डिफरेंशियल हेड, यानी ये जो एक्स है वो, ये एक्स कितना आएगा, ये एक्स कितना आएगा। तो देखो यहाँ पे ये जो डायग्राम है, ऐसा ना बन के ये डायग्राम कुछ यूँ बनेगा, यहाँ से कनेक्टेड होगा ये वाला जो है ना, यहाँ से कनेक्टेड होगा, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या है ना, ये यहाँ पे है, यानी यहाँ से क्या होगा ना, एक यहाँ से पाइप निकलेगा और एक यहाँ से पाइप निकलेगा और एक यूट्यूब मैनोमीटर बनेगा। बोलने का मतलब जैसे मैं इसको यहाँ पे दिखाता हूँ, ये देखिए यहाँ से पाइप निकला एक, और एक यहाँ से पाइप निकला, एक यहाँ से पाइप निकलेगा, एक यहाँ से निकलेगा, और इसे हम ऐसे कन्वर्ट कर दे रहे हैं, इसको क्या करें ना, ऐसे कन्वर्ट कर दे रहे हैं। जब हम इसको ऐसे कन्वर्ट करेंगे तो उस केस में अपने को निकालना है कि ये जो डिफरेंस जो आएगा, ये जो डिफरेंस आएगा वो डिफरेंस अपने को निकालना है, वो डिफरेंस अपने को निकालना है। तो इस डिफरेंस को आप निकालोगे कैसे ना, यहाँ का प्रेशर इंटू यहाँ का प्रेशर। तो देखो हम इसका वैल्यू निकाल चुके हैं, यानी एच इक्वल टू हम लोग क्या जानते हैं थे ना, एच इक्वल टू एक्स इंटू एस एम डिवाइडेड बाई एस नॉट माइनस वन, ठीक ना। यहाँ पे क्या था ना, मैनोमेट्रिक फ्लूड का स्पेसिफिक ग्रेविटी था, और ये क्या था ना, फ्लोइंग फ्लूड का स्पेसिफिक ग्रेविटी था, यही था ना। बस आप यहाँ पे क्या करो ना, वैल्यू को रखो। तो x अपने को निकालना है, अपने को क्या करना है ना, x निकालना है, और h अपने को दे दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है h, h देखो हम लोगों ने यहाँ पे निकाला था h, ये जो था 0.75, और हमने यहाँ पे वैल्यू भी निकाल के डाला था, ये देखो ये जो h हम लोगों ने यहाँ पे डाला है 0.75। तो बस आपको यहाँ पे क्या करना है, वैल्यू पुट कर देना है, आपको क्या करना है ना, वैल्यू पुट कर देना है, यानी आपको यहाँ पे क्या आ गया ना, h इक्वल टू 0.75, x इंटू एस एम, मरकरी है यानी 13.6, और ऑयल का डेंसिटी स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना था ना, 0.8 था, ये कितना था ना, 0.8 माइनस 1। बस इसी को सॉल्व कर देना है। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो मैं करता हूँ, तो देखिए ये क्या है ना, 13.6 है, तो इसे आप डालिए, 13.6 डिवाइडेड बाय 0.8, तो ये 17 आया, 17 माइनस 1 कर दो तो 16 आया। अब इस 16 से यानी इसका जो वैल्यू आया, ये 16 आया, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा ना, x इक्वल टू 0.75 डिवाइडेड बाय 16। तो इसको आप क्या करो ना, सॉल्व करो, तो 0.75 डिवाइडेड बाय 16, तो इसे जब आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 0.004, यानी x कितना रहे ना, 0.046875, x अपने को ये मिल रहा है, ये, और इसका यूनिट क्या हो जाएगा ना, मीटर हो जाएगा, इसका यूनिट क्या हो जाएगा ना, मीटर। अब तो देखो ये आपका वैल्यू आया, तो बुक में कितना आ रहा है ना, बुक में भी आपका वही 0.046 मीटर, और यहाँ पे क्या है ना, सेंटीमीटर, तो ये 100 से जब गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा ना, 4.6 हो जाएगा। और मैं बोलूँगा इस क्वेश्चन को आप और एक बार ज़रूर बनाना, समझ लो।